हमारा दीदी का ही चाहे शुभेंदु अधिकारी नहीं है, हो सके क्या हम राजद में चलो हम डाल चलो तो हम नहीं कर दो महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दल में जो गद्दार लोग था वो निकाल गया और भी पवित्र हो गया टीएमसी का। आज से 60 साल पहले एक फिल्म आई थी धूल का पुल, जिसमें साहिर लुधियानवी ने एक गीत लिखा था, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इस गीत को मोहम्मद रफीक ने गाया था। ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मंदिर है और इस तरफ मुस्लिम लोग रहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक तरफ घंटी बजती है, दूसरी तरफ अजान होती है। और ये तस्वीरें जब इस सियासी माहौल में, जब धर्म के नाम पर सियासत होने लगे, धर्म के नाम पर राजनीति होने लगे, जय श्री राम के नाम पर वोट मांगने लगे, तो ये तस्वीरें उन बेरियों को तोड़कर ये दर्शाना चाहती है कि आखिर यहाँ पर हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है बल्कि इंसान है। जैसा हमने पहले जिक्र किया, धूल का फूल आपने मूवी देखा होगा, जिसमें से साफ तौर पर ये जो गाना है कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इसी को बारीकी से समझेंगे कि क्या जो है मुस्लिमों के बीच में जो एक और हिंदू के बीच में जो एक आपसी भाईचारे हैं, इसको बारीकी से समझेंगे। आपका नाम? मंसूर मल्लिक। यहाँ एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ जो है मुस्लिम लोग रहते हैं। कहा जाता है चुनाव के माहौल में हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत बांटने की कोशिश करते हैं, यहाँ वो चीजें दिख रही हैं? मैंने हिंदू मुसलमान सबाई था कि मिले मिसे था कि कारू की जो समस्या है ना, ठीक है ये बताइए मुझे कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 50,000 वोटों से दीदी को 1,00,000 वोट से हारेगा, यहाँ से दिल्ली के नंदीग्राम से 1,00,000 वोट से हारेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं बड़ी नहीं है, जनता बोलेगा, नंदीग्राम का जनता बोलेगा। जनता ये कह रही है कि 1,00,000 वोटों से दीदी जीत रही है। दीदी जीत रहा। अच्छा 1,00,000 वोटों से हारेगा, शुभेंदु अधिकारी हारेगा। मीर जाफर शब्द का जो ये लोग यूज कर रहे हैं, ये शुभेंदु अधिकारी के लिए यूज कर रहे हैं। ये बताइए कि जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनको जरा समझाइए कि ममता दीदी के खिलाफ इतने नेताओं को उतारा गया है, लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, कहा ये जा रहा है कि ममता दीदी को यहाँ की सीट बचाना मुश्किल हो रहा है। वो मिर्जापुर का सीट नहीं बचेगा तो वो कहाँ से गएगा? दीदी का सीट नहीं बचेगा। मोदी शाह कह रहे हैं दिल्ली छोड़ के भागेगा वो मिर्जापुर। अमित शाह कह रहे हैं कि हम सोनार बंगला बनाएंगे। सोनार बंगला तो अभी है, सोना निकाल के सोनार बंगला बनाएगा वो। पहले गुजरात को बनाने बोले, पहले यूपी को बनाने बोले सोनार बंगला, उसके बाद बंगाल में आया। क्यों भारतवर्ष में नेता मुख्यमंत्री जो है एक जो महिला मुख्यमंत्री है और राष्ट्र मेडल भी पाया है, लेकिन वो ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी का दल में जो गद्दार लोग था वो निकाल गया और भी पवित्र हो गया टीएमसी का। तीन दिन पहले यहाँ नंदीग्राम में भाषण देके गया, जो मिनी पाकिस्तान हो रहा है वो क्या चाह रहा है? मिनी पाकिस्तान किसको बोलता है उसको समझ में आएगा? बांग्ला 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 बांग्ला
तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में दो गज दूरी मास्क है जरूरी।